आम आदमी को करारा झटका देते हुए पेट्रोल कंपनियों ने कीमतों में 7.5 रुपए की लीटर की बढ़ोतरी कर दी। बढ़ी हुई दरें बुधवार आधी रात से लागू हो गई हैं, जबकि जयपुर में वैट और स्थानीय कर मिलाकर प्रति लीटर करीब 7.92 रुपए का इजाफा हुआ है। ये पेट्रोल के दामों में की गई अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। हालांकि IOC ने कहा कि अभी 1.5 रुपए प्रति लीटर दाम और बढ़ाए जाने चाहिए। संसद का बजट सत्र मंगलवार को समाप्त होने के साथ ही संकेत मिलने लगे थे कि तेल विपणन कंपनियां किसी भी समय पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। घटक दलों की नाराजगी के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी। उधर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने राज्य सरकारों को तेल पर लगाए करों में कमी करने का सुझाव दिया है। वहीं भाजपा ने इसे केंद्र सरकार की बेशर्मी करार देते हुए कहा कि इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। पेट्रोल के दामों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पंपों पर बुधवार को लोगों की भीड़ उमड़ी। देर रात 12 से पहले पेट्रोल भरवाने के लिए लोग पंपों पर खड़े रहे। दौसा में पंपों पर लंबी कतारें लगी, वहीं बारा में पंपों पर लोगों की भारी भीड़ रही। टोंक में तो हालात ये थी कि पंपों पर पुलिस पहरे में पेट्रोल बांटा गया। सभी लोग रात 12 बजे से पहले गाड़ियों में अधिक पेट्रोल भरवाना चाहते थे, लेकिन पंप मालिकों ने हर गाड़ी में 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया, जिसके कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ RSC को भी तैनात करना पड़ा। वहीं अजमेर के केकड़ी में विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध जताया। भाजपा ने पेट्रोल में बड़ी कीमतों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले यहां भी पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली।